जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम अवध विश्वविद्यालय से जुड़ी एक खबर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि आखिर क्या बात है कि अवध विश्वविद्यालय पे इतनी बड़ी धन की वर्षा हो रही है। अवध विश्वविद्यालय को आयकर विभाग वापस करेगा 57 करोड़ रुपए। तो आखिर क्या है मामला, अवध विश्वविद्यालय को 57 करोड़ रुपए इनकम टैक्स विभाग क्यों वापस कर रहा है, ऐसी क्या बात हो गई है, आइए इस खबर को जानते हैं। और ये 57 करोड़ रुपए आखिर किस लिए वापस किए जा रहे हैं, क्या है पूरा मामला। तो दोस्तों, अवध विश्वविद्यालय से जुड़ी तमाम अपडेट्स आपको डेली मिलेंगी। जो भी अवध विश्वविद्यालय से जुड़े खबरें अगर आएंगी वो आपको मेरे चैनल के माध्यम से पहुंचाया जाएगी। तो अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। लेकिन फिलहाल हम आते हैं इस खबर की तरफ। तो देख सकते हैं आप साफ यहाँ पर लिखा गया है कि अवध विश्वविद्यालय को 2018 में आयकर विभाग द्वारा विश्वविद्यालय के खाते से 45,79,92,562 रुपये काट लिए गए थे। मतलब इनकम टैक्स विभाग अवध विश्वविद्यालय से 45,79,92,562 रुपये विश्वविद्यालय की अकाउंट से आयकर विभाग इनकम टैक्स विभाग ने काट लिया था, उसको जब्त कर लिया था। कुछ टैक्सेस का मांगना होगा या फिर इनके इनके कुछ डॉक्यूमेंट्स सही नहीं होंगे, तो इस तरीके का मामला होगा, इसलिए इनकम टैक्स विभाग ने उस पैसे को काट लिया था। अब हुआ क्या उसके बाद, तो विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर, अभी जो वर्तमान कुलपति हैं प्रोफेसर प्रतिभा गोयल जी, उनके प्रयासों से उक्त धनराशि अब विश्वविद्यालय को वापस मिल जाएगी। तो वही अमाउंट जो विश्वविद्यालय की अकाउंट से इनकम टैक्स विभाग ने ले लिया था, अब उसे रिटर्न किया जाएगा। अब एक सवाल यहाँ पे आप आता है कि 45 करोड़ रुपये अगर इनकम टैक्स विभाग लिया था तो वापस 57 करोड़ रुपये क्यों आ रहे हैं। तो इसके ब्याज, जब भी कोई सरकारी विभाग पैसे आपके लेता है तो वो उसको ब्याज सहित वापस करना होता है, तो उसी में उसकी जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो ऐड की जा रही है। अब देखिए, विश्वविद्यालय को उक्त धनराशि ब्याज सहित करीब 57 करोड़ रुपए वापस मिलेगा। अच्छी खासी अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है। आई होप कि विश्वविद्यालय की भलाई के लिए, विश्वविद्यालय के नए नए शैक्षणिक कार्यक्रम के लिए ये खर्च किए जाएंगे, आई होप सो। कुलपति जी ने बताया कि विश्वविद्यालय का उक्त प्रकरण निर्धारण सत्र 2013-14 का है। ये मामला कब है, सत्र 2013-14 का है। विश्वविद्यालय की अपील याचिका आयकर विभाग द्वारा खारिज कर दी गई थी, उस समय तो ये बात खारिज कर दी गई थी। 26 जुलाई 2022 को निर्णय के विरुद्ध अपील की गई, जिसके फलस्वरूप 14 नवंबर को प्रकरण लखनऊ स्थानांतरित हुआ। 14 नवंबर को ये मामला लखनऊ बेंच को ट्रांसफर किया गया। अब यहाँ पर सारी सुनवाई होनी थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कराते हुए प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप 19 मई को आरोपित आयकर शून्य करार दिया गया एवं समस्त धनराशि विश्वविद्यालय को वापस करने के पक्ष में आदेश पारित किया गया। मतलब 19 मई को ये फैसला आया था कि जो आपने पैसे सीज किए, जो आपने पैसे डिडक्ट किए हैं यूनिवर्सिटी के अकाउंट से, काइंडली रिटर्न टू द यूनिवर्सिटी विथ इंटरेस्ट, ब्याज के साथ उसको वापस किया जाए, ठीक है। विश्वविद्यालय के वित्तीय अधिकारी पुनेंद्र शुक्ला जी ने बताया कि विश्वविद्यालय का उक्त प्रकरण वर्ष 2013-14 का है। आयकर विभाग द्वारा 5 अप्रैल 2018 को 20,03,92,000 रुपये SBI से निकाले गए थे और 2018 में 25,76,00,000 रुपये आयकर द्वारा CBI से, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से यहाँ पे जब्त किए गए थे, ठीक है, से आयकर ग्रुप में लिया गया था। आयकर अपीलीय अधिकरण लखनऊ द्वारा विश्वविद्यालय को समस्त धनराशि ब्याज सहित वापस करने का आदेश पारित किया गया है, जो वर्तमान में CPC बेंगलुरु के प्रतिक्रिया के प्रेषित किया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर गोयल एवं वित्त अधिकारी के प्रयासों से विश्वविद्यालय के शिक्षक अधिकारी एवं कर्मचारी ने बधाई दी। तो ये है दोस्तों पूरा मामला कि आयकर विभाग ने जो पैसे डिडक्ट किए थे 45 करोड़ 79 लाख, बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है, अब उसको ब्याज सहित तो वापस करना पड़ेगा। लखनऊ की बेंच ने ये फैसले दे दिए हैं, ये फैसला पारित किया है, ठीक है। आयकर अपीलीय अधिकरण लखनऊ द्वारा विश्वविद्यालय को ये तमाम धनराशि ब्याज सहित वापस करने का फैसला लिया गया है। दोस्तों, अवध विश्वविद्यालय से जुड़ी ये खबर थी, आप तक को जानना जरूरी था, आप तक पहुंचाना जरूरी था, तो इसीलिए यह वीडियो आपके लिए बनाई गई है। ऐसे तमाम अवध विश्वविद्यालय से संबंधित जो भी खबरें आएंगी अब आपको रेगुलर बेसिस पे आपको सुबह 10 बजे अपडेट किया जाएगा, ताकि आप भी अपने विश्वविद्यालय की खबरों से अपडेट रहें।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसी लगी, खबर कैसी लगी, ये चैनल डेफिनेटली आपके लिए सहायक होने वाला है अगर आप अवध विश्वविद्यालय से जुड़े हैं तो। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर नहीं जुड़े हैं इस चैनल से तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, बाकी कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए। तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि यह वीडियो आपको कैसी लगी और क्या लगता है आपको कि इस फैसले का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। डेफिनेटली अभी विश्वविद्यालय में बहुत सारे सुधार किए जा रहे हैं और आशा करते हैं कि सही कार्य के लिए, विद्यार्थियों के हित के लिए, विश्वविद्यालय के लिए, शिक्षा के हित के लिए ये सारे पैसे खर्च किए जाएँ। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। जैसे कोई और खबर आती है अवध विश्वविद्यालय से जुड़ी, आप तक जरूर पहुंचाया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सेल्फ स्टडी जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।